संपदा सॉफ्टवेयर अपडेशन की प्रक्रिया के दौरान आ रही तकनीकी खामियां सेवा प्रदाताओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसके चलते सोमवार को सर्विस प्रोवाइडरों ने एक दिन ही हड़ताल कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सर्विस प्रोवाइडरों ने बताया कि ई पंजीयन एवं ई स्टाम्प जनरेट करने के दौरान सर्वर की समस्या के चलते तकनीकी त्रुटि की वजह से मिनटों का काम घंटों और दिनों में पूरा हो रहा है। दस्तावेज लेखन के तहत लॉगिन ही नहीं होता, कई बार प्रोसेसिंग करने पर लॉगिन भी हो जाए तो आगे की प्रोसेस रुक जाती है। दस्तावेज पंजीयन के लिए स्टार्ट बुक होने के बाद भी पंजीयन कार्यालय में बुक किया गया स्लॉट ओपन नहीं होता एवं पुनः अन्य समय का स्लॉट लेना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की प्रक्रिया एक माह से चल रही है, जिसके चलते रजिस्ट्री कार्य प्रभावित हो रहा है। इसका असर उन परिवारों पर हो रहा है जो मकान या प्लाट खरीदकर उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी कारोबार पर भी असर हो रहा है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जो सॉफ्टवेयर है संपदा, उसमें आ रही तकनीकी त्रुटि के वजह से एक महीने से एडवोकेट्स जो सर्च का काम करते हैं और उनका काम भी परेशानी में हो रहा है और सही से सर्विस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसको सुचारू रूप से जल्द चालू किया जाए और उसकी जो भी त्रुटियां हैं उसको त्वरित निराकृत की जाए। इस समय निराकरण नहीं किया जाता है तो अगला कदम क्या? इसके लिए निराकरण नहीं किया जाता है तो आज पूरे प्रदेश में हम एक दिवसीय कार्य से विरत हैं और अगर समय रहते इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। आज जिस तरह से आपने एक दिवसीय अवकाश रखा है, उसके बाद में कितने नुकसान, राजस्व के नुकसान होने की संभावना है? प्रदेश में तो राजस्व का नुकसान अरबों में आएगा और जिससे शासन प्रशासन को काफ़ी नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह चौहान। जो संपदा का सॉफ्टवेयर है जिसपे रजिस्ट्री और बंधक का काम होता है, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे कि लिमिट समय से नहीं बनना, भुगतान होने के बाद भी स्लॉट का रजिस्ट्रेशन में नहीं खुलना, और उसकी वजह से पक्षकारों को और गवाहों को दोनों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ ही स्टाम्प प्रिंटिंग में भी बहुत सारी त्रुटियाँ आ रही है, स्टाम्प जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बैंकों को भी काफ़ी तकलीफ आ रही है, जैसे लोन डिसबर्स करना, लोन सेंक्शन करना, उसमें विशेषकर दिनांक का बहुत महत्व है जो कि नहीं हो पा रहा है। कितने दिनों से आ रही है समस्या? ये लगभग 2 महीने से ऐसी समस्या चल रही है, जिसके चलते हम सभी मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसे कि घंटों का काम दिनों में हो रहा है या तो 2 मिनट का काम दिन भर में हो रहा है। इस समस्या से आपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया था क्या? यह अवगत कराया गया, इसीलिए आज प्रदेशव्यापी हड़ताल है, जिसके समर्थन में हम खरगोन जिले के समस्त वकील एवं सेवा प्रदाता साथ में एकजुट होकर खड़े हैं। क्या मांग करते हैं आप शासन से? हम शासन से ही मांग करते हैं कि जो संपदा सॉफ्टवेयर है वो सुचारू रूप से चले। क्या नाम है आपका? हरे राम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।